संभल के जिला अस्पताल में स्ट्रेचर पर रखे मृतक बच्ची के शव को नोच रहे कुत्ते का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। सीएमओ ने जिला अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक को मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मृतक बच्ची के पिता चरण सिंह का आरोप है कि बच्ची कल सड़क हादसे में घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल स्टाफ ने बच्चे के शव को स्ट्रेचर पर रखकर अस्पताल परिसर में रखवा दिया। इस बीच बच्ची की मौत की सूचना परिजनों को देने पीड़ित पिता कुछ देर के लिए जिला अस्पताल से बाहर चला गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। देखिए आखिर किस तरीके से शव को नोचता ये कुत्ता यहां पर मौजूद है, और लापरवाही अस्पताल प्रशासन की भी साफ तौर पर देखी जा रही है। सीएमएस जिला अस्पताल से मैंने इसमें मालूम किया तो उन्होंने उसमें यही बताया कि उनके संज्ञान में ये प्रकरण है कि एक शव रखा हुआ था बच्ची का, और उसके मामले में कि प्रथम दृष्टया किसकी इसमें लापरवाही लगती है, इस संबंध में उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है, और जो भी इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई की वो संस्तुति करते हुए कार्रवाई करेंगे। जो जिला अस्पताल आप लेके आए हो, हाँ, तो बॉडी कहाँ पे रखी हुई है? अस्पताल में है जी। क्या मामला है फिर? ये कोई देखभाल नहीं है। हुआ क्या था ये? कुत्ते चाट रहे हैं बच्ची को। हम तो अभी आए। तो क्या जिला अस्पताल की लापरवाही है? जी, जिला अस्पताल की लापरवाही है जी। कब से रखी हुई है बॉडी वहाँ पे? एक डेढ़ घंटा दो घंटे। तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है जिला अस्पताल में? नहीं है बिल्कुल। तो जिला अस्पताल की शर्मनाक करतूत सामने आई है, और इस तरीके से शव को बाहर रख दिया गया। कुत्ते वहां पर मौजूद थे, जिनमें से तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से कुत्ता इस शव को नोच रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है जो इस शव को यहां से हटाए, जो इसकी जिम्मेदारी ले। तो लापरवाही अस्पताल प्रशासन की यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अस्पताल में क्या आखिर कोई ऐसा नहीं था जो यहां पर पहुंचे, जो देखे और इस बॉडी को यहां से हटाए। इस तरीके से लापरवाह रवैया अस्पताल का तमाम सवाल खड़े करता है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के संभल की ये पूरी घटना क्योंकि है, यहाँ के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी सवाल उठता है, और साथ ही सबसे बड़ी लापरवाही अस्पताल की कि यहाँ पर एक भी स्टाफ को उन्होंने नहीं छोड़ा, डेड बॉडी को उन्होंने सही जगह नहीं रखा, और यही वजह है कि इस तरीके से कोई भी अस्पताल में घुस आता है और शव के साथ साथ इस तरह की शर्मनाक करतूत की गई। तो शव को नोचता ये कुत्ता, तस्वीर आप देख सकते हैं आखिर किस तरीके से काफी ज्यादा दहला देने वाली है, और इन सब के बीच अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रहा है, और इसके साथ ही जिला अस्पताल की ये शर्मनाक करतूत को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और यूं ही इस तरीके से ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन में कोई बदलाव नजर नहीं आता। कई बार कई तरह के निर्देश अस्पतालों को दिए गए हैं, महामारी का समय है और ऐसे में हर डॉक्टर को अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन ये लापरवाही काफी कुछ बयां करती है कि आखिर वजह क्या है। क्या अस्पताल में स्टाफ कम थे? क्या डॉक्टर एक डेड बॉडी की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे थे, या फिर कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहता था? तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच लापरवाह अस्पताल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से एक डेड बॉडी को यूं ही छोड़ दिया गया है, कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं ली जा रही है, और यही वजह है कि बाहरी कुत्ते अस्पतालों में एंट्री ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी लापरवाही है। कोई गार्ड नहीं और ना ही कोई ऐसा स्टाफ जो इन सब चीजों का ध्यान दे, और इस तरीके से शव को नोचता कुत्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इसे रोकने यहां पर नहीं आया क्योंकि अस्पताल में कोई मौजूद ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक बच्ची जिसकी एक्सीडेंट के बाद मौत हो गई, उसे अस्पताल लाया गया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया,
लेकिन स्ट्रेचर पर ये बच्ची ऐसे ही पड़ी रही। चरण सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह, तस्वीरें बहुत ही ज्यादा दहला देने वाली हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कोई जवाब अभी दिया गया है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई? जी, संभल का मामला है। यहाँ पर जो है एक बच्ची जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उस बच्ची को जो लाया जाता है अस्पताल, जिला अस्पताल में लाया जाता है और जो हल्की बात है उसकी सीढ़ियों के सामने जो है स्ट्रेचर पर रखी हुई थी, सब जो रखा हुआ था वहाँ पर जो एक आवारा कुत्ता आता है और कुत्ता जो है उसके सर तक जो है पहुंच जाता है और वहाँ पर जो परिजन थे उसके जो बहुत दूसरे जो घायल थे उनमें लगे हुए थे और वहाँ पर जो कोई वार्ड बॉय या कोई भी वहाँ का सरकारी कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं था, इसकी वजह से जो है उसके कुत्ता जो आवारा कुत्ता था वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन डीएमओ और सीएमओ ने डीएम जो है अमरनाथ किसी ने जो है उन्हें दो टीम गठित की गई है, एक सीएमओ और सीएमओ की तरफ से है और एक जो है अपर जिला अधिकारी है उनकी तरफ से है और दो दिन में जांच सौंपनी है। लेकिन अब सीएमओ ने जो है कार्रवाई करते हुए दो लोगों को सस्पेंड किया है। ठीक है चरण, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।